गैस बॉम हैकर इन मिनी मिलेशिया। तो भाई यार मैं आ चुका हूँ एक और मजेदार वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में आज मैं आप लोग को मिलाने वाला हूँ गैस बॉम हैकर से। तो भाई यार ये छोटा मोटा हैकर नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हैकर है। इसके पास भाई अनलिमिटेड गैस बॉम है, और प्लस में भाई ये इनविजिबल भी है। और भाई ये तुम इसको कितनी भी गोलियां मार दो, इसको गोलियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पता नहीं इसने कौन सा हैक लगाया है कि भाई ये टाइम को भी करके हम लोग को 5 मिनट मिलते हैं ना, ये 5 मिनट से ज्यादा का मैच चला देता है। तो अभी भाई देखो सीन ऐसा है कि मैं एक लड़की का करेक्टर बना करके और लड़की का नाम रख करके मैं सोचा था गर्ल प्रैंक की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ही उल्टा प्रैंक हो जाता है। मैं यहाँ पे खेल ही रहा होता हूँ कि इस मैच के अंदर आ जाता है एक हैकर। तो अभी तो भाई हैकर ने अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाई है, अभी हैकर एकदम शांत है, अभी किसी को पता भी नहीं है कि हैकर कौन है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली खेल रहा था और नॉर्मली प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक से देखो पूरा मैप हरा हरा होने लगता है। भाई किसी को पता है क्या ये कौन सा हैक है और ये हैक कहाँ से मिलता है भाई इनको? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने ऐसा हैक लगा रखा है तो भाई उसे रोक दो यार, हैक ना करें, क्योंकि यार हैक करने से हम लोग का गेम बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है और खतरनाक वाला भाई गेम सर्वर डाउन होने की वजह से लैग करने लगता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं सोचा ये डेविल नाम का बंदा हैकर है, तो मैं इसको डेविल को लिखता हूँ, डेविल व्हाई आर यू हैकिंग ब्रदर। तो यहाँ पे डेविल भाई लेकिन हैकर नहीं होते हैं, हैकर होता है ये जल्दी लेफ्ट करो नाम का बंदा। स्टार्टिंग में तो मैं भी मिस्टेक खा जाता हूँ, बट बाद में पता चलता है कि हैकर कोई और है। तो ये देखो भाई सारे मैप के अंदर ये ऐसे ग्रीन पॉइजन बम अगर फेंकता रहेगा तो हम लोग कैसे खेल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये बंदा दिख नहीं रहा है, दिखता तो इसको शॉट लेने की कोशिश करते हैं, और कहीं कहीं पे ये दिखता भी है ना तो इसको गोलियों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब कितने सारे बम फेंके जा रहा है एक बार में, लोल। तो यहाँ पे भाई जल्दी लेफ्ट करो नाम का बंदा ही है हैकर। और धीरे धीरे सारे बंदे मैच के बाहर निकलने लगे हैं, हो सकता है मुझे भी निकलना पड़ जाए, बट मैं कोशिश करूंगा इस हैकर को पूरा एक्सप्लोर करूं, पूरा अच्छे से इस हैकर को देखूं ये और क्या क्या कर सकता है और आपको भी दिखाऊं। तो यहाँ पे भाई देख रहे हो कितना ज्यादा बॉम्ब फेंकते जा रहा है भाई, भाई कहाँ से मिल जाते हैं ऐसे हैक? क्या इसने पैसा देके खर्च करके भाई अपने ये हैक लिया है या फिर फ्री में इसको कहीं से मिला है? यार ऐसे ही बंदे हैं जो कि मिनी मिलिशिया को पूरा का पूरा डाउन करके बैठे हुए हैं। अभी तुम लोग देखते ना, लास्ट में पता चलेगा। ये हैकर देखो यहाँ पे अटका हुआ है और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है गैस बॉम्ब का, ये यहाँ पे अटक चुका है और यहाँ पे अटके अटके भाई इनविजिबल हो करके भाई सारी जगह गोलियां चला रहे हैं। मतलब इसकी बॉडी के दो पार्ट बन चुके हैं, रियल बॉडी तो इसकी यहाँ पे है बट ये इनविजिबल वाली बॉडी से हर जगह घूम घूम के भाई सब जगह पॉइजन बम फेंक रहा है। और एक और बंदा अटक चुका है, सिर्फ मैं ही यहाँ पे ठीक ठाक से चल रहा हूँ, बाकी सारे बंदे अटक चुके हैं। ये देखो बजूका लिया हुआ जो बंदा है वो भी अटका हुआ है, उसको भी हम लोग शॉट लेने की कोशिश करते हैं। मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठने की कोशिश कर रहा हूँ बट बैठ नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे नीचे आ जा रहा, और गोलियों का भी इसको कोई असर नहीं हो रहा है। भाई इसको गोलियां तो लगनी चाहिए यार, ऐसे ऐसे हैकर आएंगे तो मरेंगे कैसे यार, हमको इनको किल कैसे करेंगे समझ नहीं आता कभी कभी। तो अभी देखो एकदम सन्नाटा हो चुका है, धीरे धीरे सारे बंदे मैच के बाहर निकल चुके हैं और ये हैकर भी अभी थोड़ी देर के लिए शांत था, बट अचानक से फिर से इसने अटैक करना चालू कर दिया और दिख बिल्कुल भी नहीं रहा है। मुझे लगता है मैं सिर्फ मैच के अंदर एक अकेला बचा हुआ हूँ, लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड बचे हैं। हाँ भाई मैं अकेला मैच के अंदर बचा हुआ हूँ, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है। चलो भाई स्नाइपर मिल गया, अब तो भाई दूर दूर तक हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये देखो हैकर कैसे सारे मैप को भाई हरा हरा कर रखा है। भाई होली खेल रहा है क्या ये? क्या ही बॉम्ब फेंके जा रहा है, देख रहे हो भाई इतना बॉम्ब फेंक रहा है कि गिन भी नहीं सकते हैं यार, सारे जगह बिखरा रखा है इसने इतने सारे बम। देखो अभी धीरे धीरे पूरा ग्रीन हो जाएगा ये, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ग्रीन। भाई मेरे पास आ रहा है ये, मैं यहाँ से हट करके दूसरी जगह चलता हूँ। ओ भाई कितना ज्यादा यार इसने हरा हरा कर रखा है चारों तरफ। अब यहाँ पे देखो 45 सेकंड तो बचे हुए और इसने मुझे किल तो कर दिया, बट मैं भाई मैच के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। रिस्पॉनिंग इन जीरो दिखा रहा है यहाँ पे, रिस्पॉनिंग टाइम नीचे की साइड में, बट मैं स्पॉन हो ही नहीं रहा हूँ यार। अगर मैं स्पॉन करूंगा ही नहीं तो मैं खेलूंगा कैसे? देख रहे हो ये किस लेवल का हैक लगा रखा है भाई, ये क्या कर रहा है? मेरे को भाई स्पॉन तक नहीं होने दे रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बार बार स्पॉन हो रहा हूँ, बट मैं दोबारा किल हो जा रहा हूँ, इसीलिए मैं मैच के अंदर नहीं एंट्री कर पा रहा हूँ। यार इसने सारे मैप में हरे हरे पद्दू छोड़ दिए, तो कैसे हम स्पॉन कर पाएंगे भाई? यार क्यों करते हैं ये ऐसे बंदे हैक? यार अपना तो नुकसान करते हैं बट मिनी मिलिशिया का भी नुकसान कर रहे हैं और हम लोग का तो नुकसान हो ही रहा है। और यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग देखना,
ऊपर टाइमिंग खत्म हो चुकी है भाई, 5 मिनट हमारे खत्म हो चुके हैं, फिर भी भाई ये मैच चल रहा है, ये कैसा है क्या भाई? मैच कैसे चल सकता है जब 5 मिनट खत्म हो चुके हैं तो, और मैं स्पॉन भी नहीं कर पा रहा। चलो यार नीचे तो स्पॉन होना चाहिए, कहीं तो ऐसी जगह है जहां हम लोग स्पॉन कर सकते हैं, बट मैं कहीं भी स्पॉन नहीं कर पा रहा हूँ, और टाइम खत्म होने के बाद भी ये मैच चल रहा है। ये सोचने वाली बात है भाई, कैसे पॉसिबल हो सकता है मैच खत्म होने के बाद भी मैच चलता रहे। भाई देख सकते हो इतने खतरनाक हैकर्स मिनी मिलिशिया में आ चुके हैं, इसी वजह से भाई हम लोग का मिनी मिलिशिया का पूरा डेड हो चुका है, अपडेट भी नहीं आ रहे हैं, और जो एकदम तगड़ी वाली लैग होती है ना कभी कभी गेम, या फिर हम लोग का बहुत ज्यादा हैंग करने लगता है गेम, बस भाई इसी वजह से होता है। अब मैं इस हैकर को मैसेज कर रहा हूँ, ओए बस कर यार, हो गया गेम खत्म हो चुका है। अब देखो ये क्या करता है, मेरे मैसेज का रिप्लाई देता है या फिर इस मैच को पूरा एंड कराता है। ये एकदम साइलेंट है भाई, कुछ बोल भी नहीं रहा, और अगर ये मुझे किल भी करता, अगर मतलब मान लो मैं स्पॉन कर रहा हूँ और ये मुझे किल कर रहा, तो इसके किल रेशियो तो बढ़ने चाहिए ना, लेकिन काफी देर से इसके किल रेशियो बढ़ ही नहीं रहे। ये 8 किल से 9 किल, अच्छा 9 किल हो गए, एक इसने इसके बढ़े, मतलब इसके हैक की वजह से मैं स्पॉन होते ही भाई मैं किल हो जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिस्पॉन बार बार नहीं हो पा रहा है। अभी देखो यहाँ पे रिस्पॉन तो हो चुका हूँ मैं, लेकिन टाइम खत्म है भाई, कैसे चल रहा है ये मैच भाई साहब, खतरनाक भाई। मैं पहली बार ये चीज देख रहा हूँ यार मिनी मिलिशिया में, मैंने आज तक कभी इतना खतरनाक वाला ग्लिच या फिर समझो खतरनाक वाला हैक नहीं देखा। अब मैच भी खत्म नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे को लेफ्ट करना पड़ेगा, बट देखते हैं कितनी देर तक ये मैच को चला सकता है गेम। इस मुझे लग रहा है ये सारा मैप का कंट्रोल ना इस हैकर के हाथ में है, ये जब चाहे तब मैच को एंड कर सकता है, जब चाहे तब मुझे भी किल कर सकता है, भाई ये कुछ भी कर सकता है भाई, ये वॉल हैक भी कर रखा है, चारों तरफ भाई देख रहे हो बॉम्ब भी फूटे जा रहे हैं और हरे हरे होते जा रहे हैं। भाई यार बस कर ले यार, कितने बम है तेरे पास, मान गया यार तू लीजेंट वाला हैकर है, बट बस कर मैच को अब खत्म कर। तो भाई यार आप में से किसी भी बंदे को अगर पता होगी ये कौन सा हैक है और इसको ये हैक मिला कहां से, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं रिसर्च कर सकूं और बंदे हैक ना कर सके, और जितना कम हैकर होंगे भाई उतना हम लोग मिनी मिलिशिया को सेव कर सकते हैं, नहीं तो भाई मिनी मिलिशिया पूरा का पूरा डेड है भाई। ये टोटल देखो 7.5 मिनट हो चुके हैं, जो कि मैच होता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का, इसने 2.5 मिनट एक्स्ट्रा गेम चला दिया है। अब मुझे लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मैच के बाहर निकल जाएं और यहाँ पे मैच को करें एंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, ओ भाई मैच ओवर हो गया, चलो भाई मैच ओवर तो हो गया। अब मैं इसकी आईडी एक बार आप लोग को दिखाता हूँ, आईडी देखने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि यार इसकी आईडी एकदम नॉर्मल है, देख के लग ही नहीं रहा है कि इसकी आईडी भाई हैकर वाली है, लेकिन ऐसे ऐसे बंदे बताओ हैक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे भाई सुप्रीम कमांडर लेवल पे जाने के बाद भी हैक लगा लेते हैं। तो भाई यार ऐसा मत करो, हैक करके गेम को मत खेलो भाई, सारा इंजॉयमेंट आप लोग खराब कर दोगे भाई। ठीक है यार कभी कभी गेम में हम हारते भी है, कभी कभी जीतते हैं, इसको भाई रियल लाइफ में कंपैरिजन मत करो, और हैक की वजह से खुद को तो मजा आता है बट हम लोग दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, तो हैक मत करो भाई। तो भाई यार कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी बंदा चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। तो भाई यार क्या आप लोग ने गर्ल प्रैंक इन मिनी मिलिशिया वाली वीडियो देख ली, और अगर अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, आपके राइट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करके वीडियो को पूरा देख लेना। और क्या आपको पता है मिनी मिलिशिया के अंदर डुअल मैग्नम कैसे करना है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेफ्ट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करके वीडियो को पूरा देख लेना।